नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एस्ट्रॉल लिमिटेड। देखिए, एस्ट्रॉल इंडिया के एक नंबर वन पोजिशन में रहने वाला कंपनी था। आज एस्ट्रॉल नंबर वन में नहीं है, क्योंकि इस कंपनी के टोटल जो मार्केट कैप है वो 60,000 करोड़ के आसपास बन चुके हैं, और टोटल सुप्रीम इंडस्ट्रीज के जो मार्केट कैप है 72,000 करोड़ के आसपास है। मतलब कंपनी के जो टोटल मार्केट शेयर है वो थोड़ा सा कम इसीलिए हुआ, क्योंकि बिजनेस में हमेशा तो अप्स एंड डाउन होता रहता है। तो एस्ट्रॉल जो लिमिटेड है उसका खासियत पॉइंट क्या है, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। देखिए, कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो कंटिन्यूसली 1100 लेकर 1300 बने, उसके बाद 1500 बने, उसके बाद 1600 बने। तो कंपनी के जो सेल्स है वो सेल्स लगातार बढ़ते चले गए। एक्सपेंस को कंपनी मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट जो है वो भी 176, 144, 200 एंड 180 करोड़। तो मतलब कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट को मेंटेन किया। हाँ, पिछले सालों में जो प्रॉफिट हुआ था उससे थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट कम हुआ, मतलब 206 करोड़ पिछले सालों में प्रॉफिट था, इस बार 180 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में ग्रोथ होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि चार्ट पैटर्न जो बता रहा है, मैं आपको सबसे पहले चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। देखिए, यहाँ पे पैटर्न्स तो बहुत दिनों से बन के तैयार था। यहाँ पे क्या बना था, एक कप बने, उसके बाद बार बार हैंडल बटन क्रिएट हुआ, 3 से 4 बार हैंडल बटन क्रिएट हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट भी हुए और रिटेस्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे करके कंपनी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा। अगर ऊपर गए तो कहाँ तक जा सकते हैं, इस हाई लेवल तक गए तो कितना टारगेट मिल सकता है, करीबन करीबन 2670 रुपीज़ के आसपास, 2670 रुपीज़ के आसपास इसका टारगेट मिलने का चांसेस है। तो देखिए, टारगेट होने से पहले ही कंपनी के ऊपर बिग मतलब नेगेटिविटी यहाँ पे देखने को मिला है, करेक्शन देखने को मिला है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि अपकमिंग जो रिजल्ट आने वाला है 2nd ऑफ अगस्त में, तो उस रिजल्ट के दिन यहाँ पे कंपनी का रिजल्ट थोड़ा सा वीक होने का चांसेस है। क्योंकि चांसेस इसीलिए है क्योंकि पिछली बार भी देखिए, पिछली बार भी जब रिजल्ट आया था उससे पहले करेक्शन हुआ था, रिजल्ट आने से पहले करेक्शन हुआ था इसलिए रिजल्ट खराब हुआ, और इस बार भी देखिए रिजल्ट आने से पहले ही करेक्शन हो रहा है, मतलब रिजल्ट खराब होने का चांसेस है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि रिजल्ट खराब होने का चांसेस है तो कंपनी के ऊपर क्या डिसीजन लूँ, तो देखिए मेरा डिसीजन मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ कि जब भी इस लेवल को ब्रेकआउट किया है, रिटेस्ट किया, तब मैंने क्या क्या एंट्री लिया, और मेरा टारगेट इस हाई लेवल तक रहेगा, क्योंकि काफी धन पैटर्न का जो टोटल रेंज निकल कर है 33% के आसपास। बाकी एस्ट्रॉल के ऊपर मैं तो बुलिश हूँ, आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में इस कंपनी के ऊपर कुछ अलग डिसीजन लिया। वो डिसीजन क्या है आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं। देखिए, इतने दिनों से जनवरी मंथ से अप्रैल मंथ तक जो सेलअप किया गया था म्यूचुअल फंड के माध्यम से, अभी मई मंथ और जून मंथ में छोटे मोटे क्वांटिटी को यहाँ पे ऐड किया, मतलब कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड किया जो क्वांटिटी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, बूस्ट कराने के लिए काफ़ी है। तो चलो अभी देख लेते हैं रिजल्ट किस तरीके से आने वाला है, उसके बाद ही पूरा डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। फाइनली पॉलीकैब के ऊपर रिजल्ट आ चुके हैं, जो आशा किया जा रहा था उससे थोड़ा सा खराब रिजल्ट देखने को मिला। जैसे आप देख सकते हैं, सेल्स का आंकड़ा 3800 करोड़ था, इस बार 4600 करोड़ बने, मतलब कंपनी का सेल्स तो ठीक ठाक है, मगर दिक्कत वाला बात क्या है, कंपनी का क्वार्टर का सेल्स से कम हुआ। मतलब एक एस्टीमेट किया गया था कि ईयर ऑफ ईयर बेसिस में एंड क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस में, एस्टीमेट ईयर ऑफ ईयर बेसिस को तो बीट किया मगर क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस को बीट नहीं कर पाए, और इसी कारण के वजह से आज शेयर के ऊपर इतना ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिले। अभी देख सकते हैं एक्सपेंस के बारे में बात करें तो एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, और कंट्रोल रखने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या हो गया, देखिए पिछले सालों से नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया और पिछले क्वार्टर से तो बहुत ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि अर्निंग पर शेयर 26.67 रुपीज़ के आसपास था पिछले सालों में, इस बार 26.34 रुपीज़ के आसपास देखने को मिले, और टोटली पिछले क्वार्टर्स में कितना बना, पिछले क्वार्टर्स में कितना था, पिछले क्वार्टर्स में था 36.34 रुपीज़ के आसपास। मतलब कंपनीज के ऊपर जो अर्निंग पर शेयर है वो कुछ इस तरीके से डेटा देखने को मिला, जो डेटा कंपनी को मतलब बूस्ट करने के लिए काफ़ी है, जो डेटा कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि
कंपनी पिछले सालों को तो बीट कर किया सॉरी पिछले सालों को भी बीट नहीं कर पाए और पिछले क्वार्टर्स को भी बीट नहीं कर पाए। और पॉलीकैब के ऊपर इस नज़रिया देखने से पहले मैं आपको पहले ही बता दिया था कि रिजल्ट आने से पहले ही कोई शेयर अगर गिरते चले जा रहे तो उसके रिजल्ट खराब आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये बात मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि रिजल्ट आने से पहले अगर शेयर में करेक्शन हुआ तो सोचना रिजल्ट खराब आने का चांसेस रहेगा। तो क्या फाइनली यहाँ पे रिजल्ट खराब आया? हाँ, मेरे हिसाब से तो एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाया, इसका मतलब रिजल्ट तो थोड़ा सा वीकनेस में है। तो क्या इस कारण के वजह से शेयर में बिग फॉल हो सकता है? बिल्कुल नहीं, करेक्शन तो हो रहा है, वो कभी ना कभी कोई इस सपोर्ट लेवल को आने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगली जो इसका सपोर्ट लेवल था उस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन किया है, मतलब और भी गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है। तो नीचे लेवल में आएगा तो कहाँ तक आने का चांसेस है? 5737 के आसपास इस लेवल तक आने का चांसेस है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि पॉलीकैब कोई छोटा मोटा कंपनी तो नहीं है, पॉलीकैब एक इंडिया के सबसे बड़े कंपनी है, अराउंड इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास है। और दूसरी बात, इस कंपनी का खासियत पॉइंट यही है कि कंपनी अच्छा खासा जर्नी जिस तरीके से दिखा चुके हैं वो बाकी कंपनीज नहीं दिखा है, तो लोगों के मन में डाउट होगा कि कंपनी सचमुच में सही है कि गलत है, मतलब अच्छा है कि बुरा है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, सेल्स का ग्रोथ देखिए हमेशा पॉजिटिव में है, प्रॉफिट का ग्रोथ भी बहुत शानदार है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बहुत शानदार है, उसके साथ साथ CAGR के परसेंटेज, जिस परसेंटेज के बेसिस में कंपनी रिटर्न देते हैं वो भी आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। देखिए कंपनी 5 साल में 60%, 3 साल में 50%, 1 साल में 39% का रिटर्न दे रहा है, तो मेरे हिसाब से बेस्ट रिटर्न है। इतने बड़े लार्ज कैप टाइप कंपनी इतने शानदार काम कर रहे हैं, यही काफ़ी है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करो, उसका नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, जिसको हम लोग IRCTC नाम से जानते हैं। देखिए IRCTC के ऊपर मैं सबसे पहले एक अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए IRCTC के ऊपर टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न बना है वो बहुत दिनों पहले से ही एक कप विद हैंड पैटर्न बना, सॉरी एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बन चुके हैं बहुत दिनों से। तो लोगों के मन में यही डाउट है क्या कंपनी का ऊपर जाएगा? देखिए यहाँ पे जब भी इस हाई लेवल को ब्रेक करने का कोशिश कर रहे हैं उसके बाद बिग रिट्रेसमेंट हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी गए और उसके बाद देखिए बिग फॉल हुआ। तो ये लेवल, ये जो लेवल है 1040 1040, ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, इसी रेजिस्टेंस को कंपनी को ब्रेक करना पड़ेगा तभी वो ऊपर जा पाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आएगा कि सर यहाँ पे तो ब्रेक हुआ था तो ऊपर क्यों नहीं गया? देखिए सिर्फ ब्रेक होने से कुछ फायदा नहीं होगा, जिस कैंडल ब्रेक करेगा उसके बाद कोई स्ट्रांगली कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, तो इसको कहा जाता है ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कन्फर्मेशन। तो ब्रेकआउट तो यहाँ पे हुआ, उसके बाद बाकी जो कैंडल बने वो उतना स्ट्रांग नहीं था इसीलिए करेक्शन हो गया। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि शेयर में कभी कभी होता क्या है, कुछ टाइम ज़्यादा लग जाता है टारगेट पाने में, तो लोगों के मन में यही डाउट होता है कि टारगेट होगा कि नहीं होगा। तो उससे पहले मैं एक डेटा आपके साथ शेयर कर दूँ। देखिए एक बड़े इन्वेस्टर बड़ी इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है प्रभुदास लीलाधर, जिसके बारे में बहुत बार चर्चा किया हूँ, उन्होंने Q1 रिजल्ट आने से पहले ही एक अपडेट दिया है। उनका कहना है कि Q1 पेट सीन्स 6.7% के आसपास, ईयर ऑफ ईयर आपका जो ग्रोथ है वो कितना होने वाला है? 303 करोड़ के आसपास। तो 303 करोड़ के आसपास ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखने को मिलेगा। तो पिछले साल में कितना प्रॉफिट हुआ था, आप यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो टोटल प्रॉफिट हुआ था कितना? 284, और इस बार बताया जा रहा है कि 300 को क्रॉस ओवर करेंगे। अगर क्रॉस ओवर करेगा तो अच्छा खासा एक ग्रोथ भी देखने को मिल सकता है। रिजल्ट का डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं, रिजल्ट का डेट कौन सा है चलो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। रिजल्ट का डेट मिल चुके हैं 28 अगस्त रिजल्ट आएगा, तो उस दिन के रिजल्ट जब आएगा तब इस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होने का चांसेस है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि मैं सारे पॉइंट्स इसीलिए आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपको कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले, क्योंकि मेरा काम है जानकारी देना, आपका काम है जानकारी को वेरीफाई करके काम करना। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी नहीं होता है। तो नेक्स्ट एंड लास्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है सिद्धिका कोटिंग्स लिमिटेड। तो सिद्धिका कोटिंग्स लिमिटेड 101 करोड़ का कंपनी है, एक नैनो कैप टाइप कंपनी है, और इस कंपनी के ऊपर अपडेट यही है कि कंपनी बोनस देने जा रहे हैं। ऑब्वियसली देखा जाए तो कंपनी ऑलमोस्ट 19 जुलाई में बोनस दे चुके हैं एक के बदले एक, तो कितने लोगों को बोनस मिला जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना।
और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। और इस वीडियो टोटली एडुकेशन पर्पस में था, मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है तो सारे चीज़ों को स्टडी करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।